सुशील, अब हम जी में राइड करेंगे। जी में आपका 1 डॉट है, ये 2 डॉट है, ये 3 डॉट है। 1 डॉट से हम 2nd डॉट पे आएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्टॉप पे 1st डॉट पे आएंगे, स्मॉल स्टिक बनाएंगे। 2nd डॉट में आएंगे, फिर गो डाउन, देन गो कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, लाइन जिम के पेट को जो है लाइन पे ला के स्टॉप कर देंगे। जिम के पेट में 1 नुक्ता जा जा जा। अगर बेटा आपका जिम अपना लाइन होगा, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। अगर आपका जिम बहुत ज़्यादा डाउन द लाइन चला गया, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन हो। आपको मैं जिम का एक और प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले स्टिक बनाएंगे, देन 1st डॉट से जाएंगे 2nd डॉट पे स्ट्रेट लाइन, देन गो डाउन, देन गो कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, और लाइन पे आकर स्टॉप कर देंगे। जिम के पेट में 1 नुक्ता जा 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 जा। अगर आप बेटा जिम जो है कॉर्नर्स वाला बनाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। अगर आप जिम राइट करेंगे और जिम के डॉट जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ लगाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लगाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। बहुत ज़्यादा जिम के साथ टच भी नहीं करना, सिर्फ जिम के पेट के मिड में लगाना है आपने डॉट। अगेन स्टिक बनाएंगे, देन 1st डॉट पे आएंगे, 2nd डॉट पे स्ट्रेट, 2nd डॉट, 3rd डॉट पे जाएंगे, गो डाउन, देन को कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, लाइन पे आके जिम के पेट को स्टॉप कर देंगे। जिम के पेट में 1 नुक्ता जा जा जा। अगर बेटा आप जिम के पेट को लाइन पे स्टॉप नहीं करेंगे, लाइन से ऊपर ले जाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। पहले स्टिक बनाएंगे, देन 1st पॉइंट पे आएंगे स्टॉप, देन 2nd पॉइंट से हम 3rd पॉइंट पे जाएंगे, गो डाउन, गो कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, कर्वी कर्व, स्टॉप, जिम के पेट में 1 नुक्ता जा जा जा। मेरे टीचर ने आपको 1 लाइन में राइट और रॉन्ग फॉर्मेशन बता दी है। पहले वीडियो क्लिप को अच्छे से 2 to 3 times देखना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, देन वीडियो क्लिप बना के सेंड करना है, सेल्फ रीड करना है, साथ साथ सेल्फ राइट भी करना है। ओके बेटा।